अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल और क्वेटा ग्लैडिएटर। ने मार देता था। मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी, क्वेटा जीत गया। जी जी, आपकी प्रेडिक्शन रंग ले आई मादा के लिए, तालियां। वैसे भारत को आज तेरा कोटा पूरा हो गया। क्वेटा ने आज इंज धोता है जिवें गरीब आदमी साल बाद कंबल नहीं धोंदा, जिवें गरीब आदमी एतवार दिन अपना साइकिल नहीं धोंदा, सारी मैल कढ़ के रख दित्ती। एक रोए आया, उन्हें रोए सारे। अच्छा, आप दोनों हर रोज क्यों आ जाते? ते तू भी तो रोज ही आना। खाली हाथ मराई, अल्लाह करे साडे कोलो तेनु करोना हो जाए। अच्छा जी, खातिर हजरात, आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्या कमाल इनिंग खेली है। बाबर ने 100 किया, लेकिन रॉय ने कहा ठहर जा, मैं हुने तेनु रुवावांगे। क्या हुआ ये क्वेटा ने क्या किया? बट सब विकेट की बात की जाए तो ये बॉलर्स का कसूर नहीं है। जो विकेट था वो बहुत ज्यादा फ्लैट था। याद होगा आपको कि रावलपिंडी की पिच को डिमेरिट पॉइंट भी मिले लेकिन जैसन रॉय जैसे ही आए हैं पिच पर, उन्होंने तबाही मचा दी और 6 ओवर्स तो उन्होंने लुटे हैं। हम लोग एक जल्दी से आपको बात बताते जाए, आज हमारे साथ चौधरी परवेज इलाही साहब भी आए हैं। सर कैसे आप? ये देखें, जिंदा बकरी खाए। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा हाथ ठीक हो गया था। अच्छा, पहले मैंने जो ड्रामा नहीं, मतलब जो पहले मुझे लगा था असेंबली में, लेकिन आज अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, उनकी टांग टूटी हुई है जी जी, मैं बाथरूम में एक खास एंगल से जाके स्लिप हुआ हूं, मुझे चोट लगे। बाकी राणा सनावला साहब जी सारी गल्लां ठीक हुई, असीं लत्तां बाहां बन देणियां। असीं आप ही बनने जा रहे हैं। आज चौधरी साहब भी आए हुए हैं और दूसरे चौधरी साहब भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सवाद चौधरी। सवाद चौधरी साहब कैसे हैं? आप भाई दी आवाज कितनी छोटी। ओ मार भी बेटे मु बोलया ते लगा जिवें वड्डी ननाण गिले करण डई। आप नहीं बोले, मुंह च चूचा पाया उन्हें कुटिया ते आवाज निकल। वैसे भाई जी, जे जिड्डा तुहाडा पिंड है ना, तुहानूं मेदे च 4 मजदूर रखने चाहीदे ने। लगे ने ओ फिटे, ये जिहड़ी रोटी खांदा लदा लदा करदे ने। ओ मर गए, एक पासे प्याज एक पासे रोटी एक पासे। वो वैसे बोले ते इंज लगा रजाई चो बुजुर्ग नहीं बोले, पक्का के नहीं चला रहे थे। भाई आप सब एक मिनट चॉइस साहब, आज हैप्पी वुमेन्स डे, आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे, और मादा आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। और सबसे बड़ी बात तो है कि इरम को हम लोग मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज सुपर वुमन और अमेज़न का मैच था और इरम की टीम सुपर वुमन जीत गई है। अरे वाह वाह, आहा इरम दियां खैरां। क्या कह रहे इरम दियां खैरां, जिनिया मर्जी मुबारकां दे आना, उन्हें खाली हाथ ही है। अरे पहले कड़ा मिठाई दे के जांदी। ओहो, मैं क्या सी एक दिन, मैं कहा मिठाई नहीं लियाई, कहंदी तुहानूं शुगर ही ना हो जाए। ये तो तबसरे वाले लोग ने जिस तरह सामने ख्वाजा बैठा, मैं कहा मालकां नूं कह के 3-4 चैनल होर पवाओ, एक ते दियां गल्लां पूरियां ही नहीं आउंदियां। ओ मर वी, ओ वाकई इन्नी उर्दू बोलदा इहो जिहा बंदा सौहरे दे घर चार्जर जरूर भुलदा हुंदा। भाई आपने तो मुबारकबाद दी नहीं, चौधरी साहब पीटीआई के सदर बन गए हैं। अरे अच्छा, अफसोस की बात बट ये है कि तो कहने अफसोस की बात है, नहीं नहीं गलत सुनो ना, कि ये एक तरफ आपने पीटीआई के सदर को बुलाया है, ऊपर से आपने भांड बुला लिए। भाई ये भांड नहीं है, ये हमारा पैनल है, ये बड़े पढ़े लिखे भांड हैं। नहीं ये आपको पता है, चॉइस साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अब देखिए चॉइस साहब, आप लॉयर है ना? जी जी। मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? आई विल सू यू। मेरी ऊंटों की जाल से शेर बनाने वाले बट, ये कॉमेडी प्रोग्राम है, कोई अच्छा सवाल करो। ओके, इसका क्या जावा नहर फुटबॉल डिग्रिया हूं।
तौबा इस्तगफार, देखो तो सही, सीमेंट घोलने वाली मशीन होती है। मैंने आप कहा था ना पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा चॉइस साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं, चॉइस शुजाज साहब से मुलाकात है? नहीं, आजकल तो कोई। अच्छा कैसी गल है, बाह उरली तो सट लगी है, चुक दी परली मुश्किल पे ने। और नहीं नहीं, अंदरूनी चोट है, उधर भी उथे भी हैगी। मैं अंदरून चले जाओ फिर। नहीं नहीं पता, ये अंदरूनी चोटा ने ते तुसी बाम पराठे ते ला के खाओ। मैं तो कहना थोड़ी एल्फी पियो, बाह अंदरों जुड़ जाए। ओ मर्दी, मसला है वे कि मैं साथ नाल मर भी नहीं कर सकना। अच्छा तुसी मुंह ना करदे, साडे तक पहुंच जाएगी। अच्छा ये के देखे, ये चोई शुजाज साहब की जो बात है जी, चोई शुजाज साहब के साथ मुलाकात होना ना होना एक ही बात है। अच्छा। उनसे मुलाकात होती है तब भी उनकी समझ नहीं लगती। तो बात यह है कि उनसे वैसे उनकी तस्वीर देख ली, उसी को हम मुलाकात समझ लेते हैं। जी जी, तो इसी बात पे तो बनता है। ये प्लास्टर बनी वाला जादू टैक्स से तो नहीं आया ये वाला? नहीं, हाँ। ये नहीं है, वो दूसरा वाला जो उन्होंने लगाया। अच्छा, ओके, नहीं, खैर नहीं, वो वाला भी नहीं है। लेकिन मैंने बताया आपको, ये इजहारे ये यकजहती के लिए हमने अपने लीडर के साथ किया है, और ये तो पूरे जहान को पता है कि हमारे साथ जो हुआ है। अच्छा, ये जो आपके साथ हुआ, नहीं, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, दुनिया वाकई उस डॉक्टर को देखना चाह रही है जो टूटे हुए बाजू पे पाइडीन लगाता है। आपका और फवाद चौधरी साहब का वो जो गालियों वाला क्लिप आया था, वो आपने टिकटॉक के लिए बनाया था या बाकी असल था? नहीं, बग्गे नु भेज दिता, कहिंदे पिछे म्यूजिक भर दे। बग्गा भी शोखा, कहिंदा इंज नहीं विकना, थोड़ी जी आवाज बेचा एमा दी पवा लो, एक तो गाना कहना आयमा को लो कटा लो। ये जी बताया ना जरा, वो एक टेक्नोलॉजी है, पत्रिया लगना है मेरा, मेरी गल सुनो। वो मैं ताड़ी पत्रिया चपा दे। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, पत्रिया ही है जी जी, हाँ बिल्कुल। वो अपना एक टेक्नोलॉजी आई है, डीप फेक। डीप फेक, डीप फेक है उसमें। वो तो मीरा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उन्होंने कहा था कि वो डीप फेक, मीरा ने, कैप्टन साहब ने, वो सब ने, उन्होंने कराई है। लेकिन मीरा तो कैप्टन नु भी जान देने, हाय हाय, वो वैसे ही, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। ये खाली जान दे हो के कभी उन्हें नु देखया भी जे मुलाकात नहीं हुई, बस दूर दूर हो गई है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बातें उस ऑडियो क्लिप में है ना, वो मैं दिल से कहना चाह रहा था, लेकिन दिल में कह रहा था इनको, मुंह से मैंने नहीं कही। अच्छा अच्छा, ऐसा मम्मी ताने के क्लिप भेजना जे केड़ा वाला लाने वाला। अच्छा जी, हमारे साथ आज मुशी भाई भी हैं और इमामुल हक भी हैं। जी मुशी भाई, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? आज तो आपका ठीक ठाक किस्म का, अब वो कहते हैं पका हुआ है काम सर, ऐसा वैसा पका हुआ है। इमाम साहब आप टीवी पे आ रहे हैं, पखा बहुत चल गया, बिल कौन देगा? असीं 5-7 रिश्ते वेख बैठे, पसंद कर लो फटाफट, इस भंड दी भी दिहाड़ी लवा दिओ, भंड दी दिहाड़ी लवा दिओ, एक अद्धा रिश्ता तेने घरों ही वेख लिया जे। मैं तेरे घर कदों गया? ओ बेटे। अच्छा जी मुझी भाई, सबसे पहले तो आज जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस थी, आज सबसे ज्यादा रन्स बनाए गए हैं पीएसएल के अंदर, 500 से ज्यादा रन्स। बोथ टीम्स प्लेड एक्सीलेंट, दोनों की बैटिंग कमाल की थी और दोनों की बॉलिंग भी बकवास थी, मतलब इतने रन्स खा लिए। सर ये क्या कहते हैं, बैटिंग के ये क्या ये टूर्नामेंट बैटिंग के ऊपर हैगा, मतलब बॉलिंग्स, मतलब बॉलर्स को कोई लिफ्ट नहीं हो रही? नहीं नहीं, अच्छा सबसे पहली बात तो है कि व्हाट इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम, मतलब जब वो खेल रहा होता है तो मजा आता है। जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, एंड जो उसकी शॉटें थी, जो आज जितना उसका बैलेंस था क्रीज के ऊपर, और मतलब वो बाबर आजम का मजा आ रहा था देखने का। हमने ये सोचा कि हम प्रैक्टिस में गए थे, वापस आए 240-41 रन का पता चला, तो हमने कहा दैट्स इट, गेम इज ओवर फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर। मगर जो जेसन रॉय आके खेला है अखीर, मतलब 8-10 बॉल बाकी बचे हैं और 240 उन्होंने कर लिया है। ए वाकई शुक्र करो, कि शुक्र करो, पूछो किस चीज का शुक्र अदा करिए, सी मुझे पूछे क्यों शुक्र ये किस चीज का शुक्र अदा करे? शुक्र है मैं नहीं खेल रहा आजकल। <laughs>
सर मुझे बताएं कि रॉय साहब की जो बैटिंग थी और हफीज ने भी 41 रन किए सिर्फ 18 बॉलों के अंदर. बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स वर फिनोमिनल टुडे. नहीं आई थिंक वो जो पावल की और हफीज की इनिंग्स है वो तो नजर ही नहीं आती इन दोनों के सामने. कई दफा आपने पिच इतनी के जबरदस्त है, पिंडी की पिच इतनी के जबरदस्त है, आप एक दफा सेट हो गए. और जैसे हफीज ने एक बात की थी, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, कि अगर आप क्रिकेटिंग शॉटें यहाँ पे मारोगे आप यॉर्कर को भी आप सीधे चौके मार सकते हो एक्स्ट्रा कवर में मिड विकेट के ऊपर. बाबर ने भी मार के दिखाया, रॉय ने भी मार के दिखाया. सो इट शोज इफ योर बैलेंस एंड योर टेक्निक इज सॉलिड. ये जिस तरह अमाम बैठा हुआ हमारे साथ है इस प्रोग्राम में, इससे पूछे ये यंग है, ये खेल रहा है मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है. जो बंदा 2020 में भी अपनी शेप को और अपनी टेक्निक के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस है. इमाम भाई मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि बाबर इज बैक इन फॉर्म नाउ? देखें बट साहब वो आउट ऑफ फॉर्म तो कभी था ही नहीं, बट ये होता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं बाबर से. तो उसका जो 30-40 रन, आप T20 में रोज रोज 60-70 रन नहीं करते, बट ये भी जरूरी है कि आप जो है 30-40 जो आप रन करते हो उससे स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट जी बिल्कुल, अब आज वो जैसे मुशी भाई ने कहा कि आज उसकी बैटिंग का बहुत मजा आया, और क्योंकि विकेट्स पिंडी के जो हैं अगर आप कंपेयर करें मुल्तान लाहौर और कराची से तो पिंडी के विकेट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और उसमें जो बाउंड्री की डायमेंशन है वो भी ज़रा थोड़ी सी छोटी है. तो अगर आप 15-20-25 बॉल खेल लेते हो तो उसके बाद अपनी मर्जी से आप हिटिंग कर सकते हो. लेकिन जो आज उसके जो शॉट्स लग रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा जो बाबर पुराने वाला जो बाबर था वो आज उसके शॉट्स मज़ा आया देखने का. और बिल्कुल उसने जो एक देखे रॉय ने भी बहुत ज़बरदस्त रन किए हैं, लेकिन एक बाबर की जो इनिंग्स में जो वो क्लास थी ना वो आज बहुत अच्छा देखने को मिला. और जो लोग हैं उसके फैंस हैं उसके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि जिस तरह का वो खेला है तो वो मुझे बहुत इंजॉय किया सब ने. बेशक जी. और चॉइस साहब आप भी PSL के मैचेस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम तो नहीं देख रहे क्योंकि हमारे अपने बड़े मैचेस चल रहे हैं आजकल. जी जी. अच्छा वैसे मुशी भाई मुशी और अपना इमाम, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप पहले मुबारकबाद देंगे मुझे, मैं PTI का सदर लग गया हूँ. जी जी चॉइस साहब को मुबारकबाद दे, PTI के सदर लग गए हैं. नहीं मेरी मैं पूरी बांह जख्मी हुई पई है राती लग पीस खा रहा था बांह दे मुंह लै गए. अच्छा मजे की बात है राइट हैंड ही जख्मी हुआ है. चलो फायदा ये. वैसे चॉइस साहब को क्रिकेट खिलानी चाहिए क्योंकि क्रिकेट में आजकल पिंडी के मैच पिंडी की पिच पे इनको बॉलिंग करवानी चाहिए. वैसे हाँ जी बिल्कुल पिंडी पिंडी सानू कोई वर्णन नहीं दे रहा, तुसी बॉलिंग की गल कर रहे हो. मुशी भाई आप वैसे बड़ा कल वाला जो मैच था उसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे. मुझे बताएं मुल्तान सुल्तान के साथ क्या हो रहा है, बॉयज का मोरल कहाँ जा रहा है? अज की गल करो, कल जो नंगे ओरी गल नहीं करो. Yesterday is gone. Let's talk about today. वाह वाह वाह. अरे कहते कल शाहद ने मुझे कहा तो कुछ कल किसने देखी है? अफरीदी ने मुझे आज प्रोग्राम में कहा ना जो जोर वो जोड़ का तोड़ है उसमें अफरीदी ने मुझे कहा ना शायद नहीं, उसने कहा मुशी भाई कैसी आप बॉलिंग कोच हैं कि आपने 200 वो करवा दिया लड़कों ने इस तरह कर दिया. तो मैंने कहा मैं बॉलिंग कोच नहीं हूँ. कहते क्या है फिर आप? मैं क्या मैं आजकल मेंटोर हूँ. वैसे चॉइस साहब ताडे हाथे यॉर्कर वजे सी और नहीं नहीं आराम से आ जाना सी. अच्छा फिर कुल्फी समझ के चक मार लेंगे. और नहीं देखें बट मेरा पत्रिया लगना है मेरी गल सुन. जी जी. ये मैंने जिस तरह हमारे लीडर ने जमानत कबल अज वक्त करा ली है ना गिरफ्तारी जी से पहले, उसी तरह मैंने ये पट्टियां कबल अज तशद्दुद करा ली हैं. अच्छा वैसे उसी तरह नाल इत्थे लिख के ला दियो ना चोट लगी है, दूरों इंज लग रहा है जिवें तंदूर च रोटियां कढ़ने वाला बैठा है. चोट रिन्यू करवा लई है. अच्छा मुझे बताया कि पहले तो आपको डाकू का खिताब दिया गया था, अब आपको सदर का खिताब मिल गया, अगला खिताब क्या मिलने वाला है? अच्छा ये मुझे पता था कि मुश्किल सवाल करने अगला खिताब करने के तो फसल गए. एक सेकंड ये थोड़ा जरा अभी ये कम करे बांह कारी रखो. ये रॉबिन हुड का नाम सुना? जी रॉबिन हुड का सुना. सुल्ताना डाकू का नाम सुना? जी सुना.
ये हाफ टाइम के बाद हीरो ही बन जाते हैं। अरे वाह वाह, मतलब ताड़ी फिल्म चलन रही है। चलो कोई नहीं, साडे लो ते चोई साहब तुसी सदर बन गए, पीटीआई दे ज्यादा ज्यादा मुबारक होवे। अफसोस असी कप्तान नल कर लांगे। इमाम साहब, आपको तो पता है आज आपका नेशनल हॉलीडे है, क्योंकि आज विमेंस डे है। इमाम साहब मुझे बताए, जो आज मैच हुआ है सुपर वुमेन वर्सेस अमेज़न, और उसमें सुपर वुमेन देखी, आपने वो मैच देखा है? बट साहब पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि कुछ क्लिप्स देखे थे, लेकिन ये बहुत देखना था उनको देख लिया। नहीं मैंने तो नहीं देखा सच बताऊं, लेकिन ये है कि इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त है बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अगर वुमेन क्रिकेट को इस तरह ही प्रमोट करते रहे, और बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि जो बाहर की जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल बड़े बड़े नाम, वो आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया पिंडी स्टेडियम में, तो ये हमारी वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा एक फर्दर स्टेप है, जिससे जो हमारा एक मेंटल बैरियर है वुमेन का, कि जब हम बाहर जाते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से अगर हम नहीं जीते, वो इसी तरह बैरियर कम होगा कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स जब इधर आके खेलेंगे और हमारी वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस तरह की लीग्स खेलने की, तो हमारी जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हो सकती है। बेशक सर, मुझे बताएं अगर आपका रिश्ता किसी वुमेन क्रिकेटर की तरफ से आ गया तो जहेज में क्या लेंगे? बट साहब एक मेरा सवाल है, ये मुशी भाई हैंग क्यों हो गए एकदम से? जी सवाल के तक इमाम भाई, अगर आपका रिश्ता किसी वुमेन क्रिकेटर का आ गया तो आप जहेज में क्या लेना पसंद करेंगे? तो हेलमेट पा के फिर न गए। देखो ग्लास के नुवाज था। हर शो में आप मेरे रिश्ते और शादी के सवाल के जवाब के अलावा भी कुछ तो पूछ लें। ठीक है सर, मुझे बताएं कि आप दूसरी शादी अगर करने के मूड में। इमाम भाई चले, ऑल जोक्स असाइड सर, मगर आज जो परफॉर्मेंस थी वाकई टुडे वाज अ फिनोमिनल मैच, दो बहुत बड़ी टीमों ने बहुत अच्छा खेला। कल जो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर का मैच होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, द बर्गर इज गोइंग टू टेक ओवर द बट कढ़ाई और नॉट? देखें दो बड़ी टीमों का कल मैच है, मैच बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के हिसाब से कि कौन कहां पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो एक विनिंग स्ट्रीक था वो थोड़ा सा, जब वो मुल्तान से निकले थोड़ा सा टूटा है, तो उनको भी जरा सोचना है, तो उस हिसाब से इस्लामाबाद और लाहौर का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आपको पता है बट साहब लाहौर तो फिर लाहौर है, तो मैं तो लाहौर के साथ ही जाऊंगा हमेशा। क्या बात है जी, इमाम उल हक साहब की प्रेडिक्शन आ गई है, लाहौर कलंदर ही जीतेगा। मुशी भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है कल वाले मैच की? बर्गर। दोनों है यहाँ पर हमारे साथ। जी क्या कह रहे हैं मुशी भाई? मैं क्या दिल भी कर रहा है बर्गर को, और दूसरी बात ये है कि ये जो चौई साहब को तो पता होगा इस बात का कि इस इलाके में बर्गर ज्यादा चलते हैं, कढ़ाइयां कम चलती हैं, और इलाके के मुताबिक बर्गर की ही आजकल डिमांड है, और पिच जो है वो बर्गर के मुताबिक चलेगी, आप देखिएगा जरा। हमें क्या अच्छा, पता है जी, हम तो नहीं तो खा ही नहीं सकते, जैसा ना बोतल फटनी हो तो सट लगी। अच्छा मुशी भाई आपसे और इमाम आपसे सवाल है, आप इमाम भी लेफ्ट हैंडेड बैटर है, साइम अयूब को देखकर कैसा लगता है, उसकी टेक्निक कैसी लगती है, और अगर पाकिस्तान टीम में आता है तो फिर ओपनिंग स्लॉट में मुश्किलात पेश आएंगी तमाम ओपनर्स को, कि साइम अयूब की जगह किसको बाहर किया जाए? जी अमाम पहले आप दो यंग हो, मॉडर्न क्रिकेट अच्छा, खेले अच्छा, हुए हो। कादिर भाई आप कौन से फॉर्मेट में कह रहे हैं, T20 फॉर्मेट में कह रहे हैं? मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। कादिर भाई देखें मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन देखें हमने पास्ट में भी थोड़ी सी ऐसी गलतियां की हैं कि हमने PSL की 2-3 परफॉर्मेंसेस से हमने पाकिस्तान टीम में फास्ट ट्रैक किया, और उसके बाद लड़कों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ साइम अयूब, क्योंकि इस लड़के ने क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी खेली है, लेकिन अभी एक ही सीजन खेला है, तो इसको खेलने दें और इसको प्रॉपर चांस दें डोमेस्टिक में, इसको हर टूर पाकिस्तान एक ही टूर्स हों, इसको जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट में, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि जिस तरह बाबर और रिजवान ने पिछले 2 सालों में परफॉर्मेंस दी है, तो कि इसके अलावा पाकिस्तान कुछ सोच भी सकता है, उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। एक आधा है सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं होने से हम ये नहीं सोच सकते कि रिजवान और बाबर की जगह कोई आ सकता है। यस
हाँ वहाँ पे प्लेयर जरूर आ सकते हैं कि आप उनको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा ये नए लड़कों के, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि पीएसएल और पाकिस्तान इंटरनेशनल से जब आप खेलते हैं तो बहुत फर्क आ जाता है वहाँ पे। तो अभी इन लड़कों को और वेरी मच सर, हमारे साथ है इमाम साहब भी हैं और मुशी भाई भी हैं, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है। थैंक यू वेरी मच मुशी भाई, थैंक यू भाई। ब्रेक के बाद हम इनम से बात करेंगे। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम बैक, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल पीएसएल सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल, एंड वेलकम बैक चोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, और वो बड़ा जेन्युइन भी है कि असेंबलियां तोड़ने का इरादा था आपका? ये जो असेंबलियां तोड़ी हैं हमने, हमारा इरादा बहुत ज्यादा था। स्वाद चौधरी वड्डे लून दी पहाड़ी हुंदी, स्वाद चौधरी लगता ही नहीं, लगता चबुरजी दा फुफा बैठा है नाल, मैं कह मादा बैठी है, अवतार दी हीरवन है, पाकिस्तान आप हमेशा लाइव शोज में बैठ के फोन पे कैंडी क्रश खेल रहे होते, क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा सवाल किया, सबसे पहले तो आपकी तारीफ, बंदरा तो अदरक खो के खाण लिया, कोई और सवाल कर ले। अच्छा जी माइक म्यूट करें, समझ नहीं आएगी। स्वाद भी पतरिया है अपना स्वाद चौधरी, सदके जावा जूती नू टॉफी समझ के चूसन वाले है ओ मेरी गल सुनो मैं बट तेरे वालों बदला ले आई। अच्छा पंडो मेरी गल सुनो, गल नहीं करनी मैं चपेड़ा शो चल रहे है, हां तुसी सानू चपेड़ मारी ते रौला पा देना, सानू पता किने चपेड़ मारी, किने चपेड़ लाई ने, बल्कि असी लोकां नू कहंदे फिरंग सानू चपेड़ लाई। अच्छा जी एक चौधरी परवेज इलाही साहब की ऑडियो थी फवाद चौधरी साहब के बारे में, वो क्या कह रहे जरा वो सुनते हैं फिर आपका तबसरा लेते हैं इस पे, ठीक है जी जरा ऑडियो सुनाइए जी। सुनाइए जी, मैं फवाद नू लेट पड़िया ने अज सुबह 5 बजे फड़ लैंदे ना, महीना पहला समझिया ने टुटनी है साडे ते जोर पाया जे इहनू फड़ो बीप का क्या मतलब? बैठे तुम पहले फड़ लिया एदी खैर होवे इहनू फड़ना सी जा तेरी सानू ते कहता समरिया तोड़न दा ओदी किधरे थोड़ी देर पहले गल सुन लेनी सी। स्वाद पुत्र सारा डीप फेक है, सारा डीप फेक है। अच्छा डीप फेक जो है ना वो मुंह पे होता है आवाज पे नहीं होता, डीफेक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ होता है आपको नहीं पता? डीफेक्ट डी चौक में भी होता है। अच्छा जी एक आपको वीडियो दिखाते हैं जरा उस पे तबसरा आपने करना है, एक छोटी सी क्लिप है फिर आपकी हम लोग और कहते हैं चॉइस साहब आपकी भी हम चाह रहे हैं कि आपका जी जरा दिखाएं क्लिप दिखाएं जी। ये क्या कह रहे हैं जरा खाली कह रहे हैं मेरा बटुआ गवाच गया जरा ऐलान कर दे, कहना आप कर दियो हैं की करन दे खुदा दा खौफ को गल करने वाली कोई नहीं है, कानी जी कह रहे हैं मेरा रौला ना पा तेरा बटुआ मेरे को रौला पिछला बंदा दोवें दी चुम्मी लैण नु फिरन दे तू भी गलिया संतरा लग रहे
और दरमियान में इरम हमारे साथ आ गई है। इरम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद, आप जीत गई हैं सुपर विमेन को हमारी तरफ से, सुपर ओवर की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तेर सार मुबारक, क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम और सारी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। जी जी बिल्कुल। अच्छा इरम, आज की जीत आप किसको डेडिकेट करती हैं? आज की जीत मैं हर उस वुमेन को डेडिकेट करती हूँ जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है और स्टिल जो है वो मेहनत कर रही हैं, तो आज की जीत जो है सुपर वुमेन की जीत जो है वो सारी सुपर वुमेन्स के लिए। क्या बात है जी, वाह वाह। अच्छा कल वाला मैच लाहौर कलंदा, वो कल वाले से सबसे पहले आज बताएं, क्वेटा ग्लेडिएटर एक्सपेक्ट करी थी कि चेस कर लेगा? अब मैं आपको सच बताऊंगी कि जब हम निकलने लगे थे वहां पे, मैच जब हमारा हुआ है तो निकलने लगे थे, तो मैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम को मिली हूँ और मैं इफ्तिखार अहमद से मिली हूँ और मैं नसीम से मिली हूँ। मैंने उनको बोला कि यार मुझे बता दो मैं क्या प्रेडिक्शन, तो खैर वो हंसी मजाक में थोड़ा सा हो गया लेकिन काफी उनसे बात हुई, तो मैंने इसीलिए आज मेरा दिल था कि मैं आज क्वेटा बोलूंगी, तो मेरी प्रेडिक्शन क्वेटा ही थी और आज बस एक अल्लाह की तरफ से था। और विकेट बहुत अच्छी थी, बैटिंग के हिसाब से बहुत अच्छी विकेट थी कि कहीं भी आप बॉलर की आज कोई कह लें कहीं से बिना बॉलर बच नहीं सकता था। कंग्रेचुलेशंस इरम, सुपर ओवर की तरफ से आपको हम सब की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टीसीएल के टीवी की अनाउंसमेंट होने वाली है, चौधरी साहब कहीं मत जाएगा आपके साथ के। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सल पीएसएल सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल, विल बी राइट बैक टीसीएल का टीवी एंड वेलकम बैक आदिल रजाद, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सल पीएसएल सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल, टीसीएल का टीवी निकलने वाला है। ये सर ये पर्ची निकाली, आपसे हमने सवाल पूछा था कि फर्स्ट पर्ची तो पहले पहले ए वाला कटना जी, मते ओ वाला कट दे। जी आपका सवाल था कि फर्स्ट मैच पीएसएल का किन दो टीमों के दरमियान खेला गया था, इसका आंसर था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, पहला मैच था। सर पर्ची निकाले, त्रिया लगना है हाथ, वैसे मेरा काम निकल, तेरी खातिर बस ये देखिए। थैंक यू वेरी मच, ये निकाले जल्दी जल्दी बताएं जी विनर कौन है, विनर कौन है? ये जी अब्दुल रजाक तंदलिया वाला, तंदलिया वाला, ये वाह, ओहो वाजी वाह, तुम्हें कितने बसा नहीं फिरिया करो, तुम्हें पता लगे। ए भाई अब्दुल रजाक तंदलिया वाला, तंदलिया वाला, ये बात। अच्छा जी आज का सवाल ये है, जल्दी से आपने नोट करना है, हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, YouTube के बाद जाके आपने उस पर कॉमेंट करना है, स्क्रीन शॉट खींच के अपना जवाब देना है। आज है कि सबसे ज्यादा PSL में सेंचुरीज किसने बनाई है, PSL में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने बनाई हैं? ये आज का सवाल है, याद रखिए सब्सक्राइब करेंगे। मैं बता सकता हूं किसने बनाई जी, किसने? जिन्हें मौका मिले है। आहा जी राय ने बनाई है, किसने काटी बनाई? अच्छा जी साहब अभी भी खान साहब का मैसेज आया है, फेस जरा पेन वाला बना के रखे हूं। अच्छा जी पेन से याद आया आपसे सर एक बड़ी मजेदार, क्योंकि आप दोनों पढ़े लिखे हैं, आप लॉयर हैं और आप डाकू, मेरे मतलब अब आप प्रेसिडेंट हैं, तो अंग्रेजी के अंदर ये कुछ शायर हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, हमने बताना है कि पंजाबी में इसका क्या मतलब है। ठीक है जी, पहला, डिस्टर्बिंग द स्लीपिंग ब्यूटी बाय थ्रोइंग स्टोन्स, नॉटी बॉय ऑफ द नेबर, सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के गुआंडी मुंडा लंबड़ा दा। दो साल जगांदा रोड़े मार के, सुती पई नु जगांदा रोड़े मार के, गुआंडी मुंडा लंबड़ा दा, गुआंडी मुंडा। अच्छा जी चॉइस साहब को जरा जवाब देने दे जरा। ओके स्वाद चौधरी काटे ते शहजाद खान को आल दा दुंबा बहुत आ लगा है। शहजाद खान होइए ने जरा तौना सरिया मंगा कर ओ मार भी है। अच्छा जी व्हेन एवर यू आर फ्री डू कॉल मी, फॉरगेट ऑल द वरीज इन द वर्ल्ड जी। जी क्यों दे दें चौधरी साहब ने जवाब देना चाहिए। स्वाद नहीं समझ आई नहीं, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर, दो कड़ियां कौन बेके तू सानू हाल दिल सुना लिया कर, फुर्सत मिले बुला लिया कर, दुनिया दे गम भुला लिया कर।
मर गई है, तू चुकना आया कुछ नु इथों यार? ये बहुत याद आ सास भाई दा, मैंने साबण मिले ते ना लिया घर, ये अदालत बुलावे ते तारीख ते जा लिया। अच्छा जी, अगला चॉइस अभी आपके लिए। आई विल बिकम मिल्क, आई विल बिकम क्लॉटेड क्रीम, टेक मी ऑन टॉप ऑफ यू, आई विल बिकम योर ब्लैंकेट। वही है कि दूध बन जावांगी, मलाई बन जावांगी, मलाई बन जावांगी, डाकू बन जावांगी, पलटी सदर बन जावांगी, रख जावे मेरे एक बारी दास जीना, फिर मैं वजीर आला बन जावांगी, दूध बन जावांगी। दो कुड़ियां खा गए। वेखो ना, निगरान वजीरे आला भी मेरा पत्री है, तू भी पत्री है, ते ऐ भी सवाद चौधरी भी पत्री है, किडनी च पत्री तेरी है, सारी पत्री है। अच्छा, अगला अगला मादा के लिए जी, मादा आपके लिए। We are girls of Cosmo City coming to Dubai wearing anklets on our feet. ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲੱਛੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ, ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ, ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਆਏਗੇ ਕੁਵਾਰੀ ਅਰਬੀ, ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਸਜਣ ਜੇ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਜੱਫੀਆਂ। ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ, ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੋੜ, ਬਦੋ ਬਦ ਕਰੀ ਦਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਛੱਡ ਮੇਰੀ। ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਵੀਣੀ ਹੈ ਵੰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਵੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਵੀਣੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ, ਸਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਛਤੀਰੀ ਨਾ ਮਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਵਾ ਦੇ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਫੇਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਵੱਡਾ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਮੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਹਮਨੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਖਵਾਦੀਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਕੱਲ ਕਾ ਆਜ ਕਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ PSL ਮੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ। ਖਵਾਤੀਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ PSL ਸੁਪਰ ਓਵਰ, ਜੀਤ ਕੀ ਸੁਪਰ ਧਮਾਲ। ਆਪਸੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਔਨ ਸਮਾਂ TV। ਅਗਰ ਆਪਨੇ TCL ਕਾ TV ਜੀਤਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਆਨ ਸਟ੍ਰੇਕ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।